वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर शिक्षा विभाग से जुड़े साथियों, आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उदयपुर की तरफ से एक महत्वपूर्ण विज्ञप्ति जारी की गई है उसके संबंध में है। अगर आप भी RSCERT यानी राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उदयपुर में प्रतिनियुक्ति पे जाना चाहते हैं और अलग अलग जो भी पद है उस पर अगर आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए वो विज्ञप्ति जारी की गई है। अब इसके संबंध में विस्तार से जानकारी मैं आपको बताऊंगा और गूगल फॉर्म किस तरीके से भरा जाएगा, कहाँ से मिलेगा वो भी आपको डिटेल में बताऊंगा। कौन कौन पात्र है, किस तारीख तक आवेदन कर सकते हैं, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो यहाँ परिषद में अकादमिक पद यानी एसोसिएट प्रोफेसर समकक्ष प्रधानाचार्य और असिस्टेंट प्रोफेसर समकक्ष व्याख्याता के पदों पर प्रतिनियुक्ति पर चयन ये तो पैनल बनाए जाने के लिए इच्छुक और पात्रताधारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों से दिनांक 21/8/2024 तक यानी फॉर्म भरने की जो तारीख है वो 21/8 शाम 5 बजे तक है। आवेदन निर्धारित प्रारूप में सुसंगत दस्तावेजों सहित आमंत्रित किए जाते हैं और आवेदन और विस्तृत जानकारी शाला दर्पण के सर्कुलर टैब में आपको उपलब्ध है। यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो ये शाला दर्पण का जो टैब है इसमें यहाँ जो मेन इसकी जो साइट है यहाँ से आप यहाँ नीचे जो लाइन चल रही है उसी में यहाँ आपको मिल जाएगी RSCERT उदयपुर इंटरव्यू विज्ञप्ति डेट 8/8/2024 यानी 8/8/2024 इसी को यहाँ मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। तो यहाँ सर्कुलर टैब में आपको ये पूरी ऐड मिल जाएगी। आवेदन केवल गूगल फॉर्म के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। ये सबसे बड़ी इसकी विशेषता है कि आपको ऑनलाइन फॉर्म अलग से कोई भरने की आवश्यकता नहीं है, ऑफलाइन भी कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ गूगल फॉर्म भरना है। वो गूगल फॉर्म किस तरीके से आपको लिंक काम करेगा, यहाँ से सीधे आप जैसे क्योंकि ये PDF है इसमें जब क्लिक करेंगे तो लिंक काम नहीं करेगा, लेकिन मैं आपको बता दूंगा लिंक कहाँ से मिलेगा और आप कैसे फॉर्म भरेंगे। तो ये तो हो गया। अब इसमें आपको यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो कुछ जो निर्देश है कि पहली बात तो प्रतिनियुक्ति पर चयन हेतु राजस्थान शिक्षा सेवा में वर्तमान में कार्यरत कर्मचारी या अधिकारी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य सेवा या पदों पर कार्यरत कर्मचारी वो आवेदन नहीं कर सकते। अकादमिक पदों के लिए जो भी आवेदन कर रहे हैं उनके लोक सेवक अपनी पात्रता स्वयं जांच करने के उपरांत ही आवेदन करें, यानी आप पात्र हैं तभी आवेदन करें। और इसके लिए एक और इम्पोर्टेंट बात कि राजस्थान जैसे माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर में वर्तमान में अन्यत्र प्रतिनियुक्ति पर कार्मिक इन पदों पर आवेदन करने के पात्र नहीं है। अगर आप ऑलरेडी कहीं डेपुटेस्ट हैं तो आप आवेदन नहीं कर सकते। इसके अलावा और क्या क्या निर्देश है कि जैसे यहाँ दो तरह की पोस्टें हैं, एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर जो प्रधानाचार्य समकक्ष है यानी प्रिंसिपल लेवल के जो भी साथी हैं वो भर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में व्याख्याता जो भी है वो फॉर्म भर सकते हैं। अब इसके लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित जो भी विश्वविद्यालय उसमें अधिस्नातक यानी MA में आपके 50% के साथ में MEd या MA एजुकेशन में न्यूनतम 50% अंगों के साथ में योग्यताधारी कार्मिक ही पात्र है। तो एक तो ये क्लियर हो गया कि आपके जो भी MA है उसमें MA MSc जो भी है उसमें 50% होने चाहिए। इसके अलावा MEd या MA एजुकेशन ये भी डिग्री प्रशैक्षिक होनी जरूरी है और इसमें आपके 50% अंक के साथ में होने चाहिए, ये दोनों आवश्यक शर्तें। इन पदों पर आयु सीमा है वो अधिकतम 55 साल है यानी 55 साल से आपकी आयु कम होनी चाहिए। 1/4/2024 को 55 वर्ष से अधिक आयु के कार्मिक है वो पात्र नहीं होंगे। तो ये भी आप देख लें कि अपनी आयु है वो 55 साल से अधिक नहीं हो। इसके अलावा आवेदक द्वारा अर्जित शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यता का सेवा पुस्तिका में दर्ज होना आवश्यक है, यानी जैसे आपके MA है MEd है या MA एजुकेशन वगैरह है तो वो आपकी सर्विस बुक में भी दर्ज होनी चाहिए। और शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित करने हेतु विभागीय अनुमति प्राप्त करने के लिए तत्काल नियंत्रण अधिकारी द्वारा विभाग को अग्रेसित प्रार्थना पत्र, विभागीय स्वीकृति और अर्जित योग्यता की अंक तालिका की स्व प्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से आवेदन करने के समय साथ में अपलोड करनी होगी। इसके अभाव में आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा, यानी अगर नहीं जुड़ी हो तो आपने जो भी प्रार्थना पत्र भेजा हुआ है वो आप संलग्न करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ जो भी नियंत्रण अधिकारी है आपके उनके साइन और मोहर उनका भी एक फॉर्मेट साथ में लगेगा, इसके अभाव में भी आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। अब आवेदन कैसे करना है तो सबसे पहले तो नीचे जो भी फॉर्म दिया है उसका आपको प्रिंट डाउनलोड करना है। मैं आपको पूरा फॉर्म बता दूंगा और कैसे आपको इसको अपलोड करना वो भी तरीका बता दूंगा। तो उस प्रिंट आप कर लें, प्रिंट के बाद में सारे निर्देश वगैरह अच्छे तरह से पढ़ लें, उसके बाद में जो जो प्रविष्टियाँ है वो आपको प्रविष्टियाँ भरनी है, उसके साथ में जो भी दस्तावेज आवश्यक है वो सारे संलग्न करने हैं और आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर अपना हस्ताक्षर और नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करवा करके मोहर लगवानी है और समस्त दस्तावेज जो भी है वो स्व प्रमाणित करने हैं आपको। आवेदक द्वारा अर्जित शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यता सेवा पुस्तिका में दर्ज नहीं है तो इसके लिए अगर आपने जो भी योग्यता ऐड करने के लिए विभागीय अनुमति प्राप्त करने के लिए जो भी आपने प्रार्थना पत्र अग्रसित किया वो भी आपको साथ में संलग्न करना होगा और सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है आवेदन पत्र है और समस्त दस्तावेज है वो सभी को स्कैन करके आपको एक PDF बनानी है।
और वो पीडीएफ आपको गूगल फॉर्म में अपलोड करनी है। कैसे करनी है मैं आपको आगे बता दूंगा। तो यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो एसोसिएट प्रोफेसर और गूगल जो इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए गूगल फॉर्म का लिंक है, ये लिंक है। अब लिंक डायरेक्ट आप नहीं करेंगे तो यहाँ एक क्यूआर कोड भी दिया हुआ है, आप यहाँ क्यूआर कोड को भी स्कैन करेंगे तो भी आपको गूगल फॉर्म खुल जाएगा। मैं आपको सरल तरीका बता दूंगा कि आपको सीधे ही लिंक करते ही क्लिक करते ही आपको गूगल फॉर्म खुल जाएगा। अब फॉर्म है वो सारे गूगल फॉर्म के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे और इसलिए ईमेल वगैरह आपको कुछ नहीं करना है, हार्ड कॉपी यानी ऑफलाइन हार्ड कॉपी आपको नहीं भेजनी है, सारा काम ऑनलाइन होगा और गूगल फॉर्म के माध्यम से होगा। इसके बाद में जो आवेदन की अंतिम तिथि है वो जरूर ध्यान रखें, अंतिम तिथि के बाद में कोई भी आवेदन है वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो अंतिम तिथि आपको पता है, मैंने अभी आपको बताई कि जो भी आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ जैसे फर्स्ट पेज पे थी कि आवेदन की अंतिम तिथि है 21/8 यानी 21 अगस्त 2024 को 5 बजे तक है। तो अनिवार्य रूप से आप 21/8 तक अपना जो भी आवेदन है वो गूगल फॉर्म में वो सबमिट कर दें। अब इसके लिए आपको यहाँ इस तरह का फॉर्मेट है, ये पेज ये पूरा आप प्रिंट कर लें। प्रिंट करने के बाद में यहाँ आपको सबसे पहले अपना न्यूनतम साइज फ़ोटो लगाना है, उसके बाद में आप किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर जो भी है उसके लिए एम्प्लॉय आईडी आपको लिखनी है, नाम लिखना है, पिता का नाम, जन्मतिथि, वर्तमान पद वैकेता है या प्रिंसिपल है और वर्तमान पद पर कार्य करने का अनुभव कितने सालों का है, पद स्थापन स्थान जिला और वर्तमान पे लेवल आपका कौन सा है, मूल वेतन कितना है, 1 अप्रैल 2024 को आपकी आयु कितनी है, 55 साल से कम होनी चाहिए, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर, इसके अलावा आपकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं स्नातक अधि स्नातक कौन से विषय में की, किस विश्वविद्यालय बोर्ड से की, कितने परसेंटेज बने, कितने श्रेणी प्रतिशत वगैरह, ये सारी फॉर्म डिटेल्स भरनी है। उसके बाद में प्रशैक्षिक आपने बीएड कब की, कौन से साल में कहाँ से की, एमए एजुकेशन उसका आपको विवरण देना है क्योंकि दोनों अनिवार्य है। पीएचडी अगर की हुई है तो आपकी प्लस पॉइंट है क्योंकि इसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। और शिक्षण अनुभव, अध्यापक ग्रुप में कितना कार्य किया, वरिष्ठ अध्यापक ग्रुप में कितना कार्य किया, व्याख्याता ग्रुप में, प्रधानाचार्य के ग्रुप में और कुल कितना योग यानी पूरी सर्विस आपकी कितनी है। इसके अलावा जहाँ भी आप प्रतिनियुक्ति वगैरह गए हुए तो कब से कब तक कहाँ कहाँ काम किया, कितने साल कितने महीने किया, वो भी डिटेल भरनी है। उसके बाद में अगर आप एसआईआरटी आरएससीईआरटी या डाइट में कहीं भी अगर पदस्थापित रहे हैं तो आपको संस्थान का नाम, अवधि और समय लिखना है कितना आप डेपुटेशन पर रहे इस विभाग में। और इसके बाद में अगर आपको कोई अन्य अनुभव है पाठ्यपुस्तक लेखन का, पत्रिका लेखन का या पत्रवाचन वगैरह का, राष्ट्रीय स्तर का, राज्य स्तर का, जिला स्तर का जो भी है वो आपको मेंशन करना है। यह शैक्षिक योजना निर्माण का अनुभव है या शैक्षिक दिवस पर अगर आप शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित है शैक्षिक दिवस पे तो वो भी आपको लिखना है। और यहाँ स्व घोषणा करनी है कि मैं प्रमाणित करता हूँ सारी जानकारी सही है, मैं मूल विभाग में कार्यरत हूँ, किसी भी रेपुटेशन या प्रोजेक्ट में कार्यरत नहीं हूँ और किसी तरह की कोई भी जाँच वगैरह बकाया नहीं है, ACB में भी कोई मामला दर्ज नहीं है और जो भी सीट है वो सही आपको भरनी है। और ये संलग्न कितने आप फॉर्मेट डॉक्यूमेंट संलग्न करें उसकी संख्या लिखनी है, यहाँ आपको साइन करने और आपके जो भी नियंत्रण अधिकारी है उनके द्वारा यहाँ सत्यापन करना है कि आप उनके अधीनस्थ भी काम कर रहे हैं और जो भी डिटेल्स आपने भरी है वो सारी सही है और यहाँ आपको नियंत्रण अधिकारी के साइन और उनके मोहर लगा करके साइन करवाने, ये भी आपको फॉर्म है वो अपलोड करना है। और इसके साथ में आपको क्या क्या दस्तावेज लगा रहे हैं उसकी एक लिस्ट भी आपको यहाँ लिखनी है कि 10वीं की मार्क लिस्ट है, प्रसंख्या कितने हैं, 12वीं की है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एमए बीएड एमएड वगैरह जो भी है, पीएचडी वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं सारे आप क्रमवाइज लगाएं। और स्कोर शीट आपको यहाँ से संलग्न दस्तावेज के अनुसार आवेदनकर्ता को प्राप्त अंक कितने होंगे, तो स्कोर शीट का मतलब अगर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आपकी अगर प्रथम श्रेणी है तो आपको 2 अंक मिलेंगे, 50% से ऊपर है तो 1 अंक, सेकंड ग्रेड है तो 1 अंक, उसी तरह से आपके 12वीं में अगर प्रथम श्रेणी है तो 2, अगर द्वितीय श्रेणी है तो आपको 1 अंक मिलेगा, स्नातक है अगर फर्स्ट डिवीजन है स्नातक में तो आपको 2 अंक मिलेंगे और अगर द्वितीय श्रेणी है 50% ऊपर अगर है तो आपको 1 अंक मिलेगा। इसी तरह से अधिस्नातक यानी एमए में भी आपके प्रथम श्रेणी के 2 अंक है और 50% तक के 1 अंक है, 50 से कम है तो फिर अंक नहीं होंगे। और प्रशैक्षिक में आपके बीएड के 1 नंबर है, एमएड अगर की हुई है तो 2 अंक मिलेंगे, 50% से आपके परसेंटेज ऊपर होने चाहिए। इसके अलावा पीएचडी है तो आपको पीएचडी के अंक भी आगे बता दूंगा कितने मिलेंगे। और पाठ्यपुस्तक अगर जैसे लेखन है या पत्रिका प्रचारण वगैरह राज्य स्तर पर है राष्ट्रीय स्तर पर तो जैसे भी है उसके अनुसार 2, 1, 3, 1 या अगर शिक्षक दिवस पर अगर सम्मानित है राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर आपको 5 अंक मिलेंगे, जिला स्तर पर सम्मानित है तो 2 अंक मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप कहीं शिक्षण अनुभव कार्य किया है आपने डाइट वगैरह में एसआईआरटी में वहाँ जहाँ भी किया है अगर 4 साल का अनुभव है तो आपको एसआईआरटी में किया तो 4 अंक मिलेंगे, डाइट या शिक्षण प्रशासन संस्थान में किया तो 3 अंक, कुल मिलाकर के आपके 30 अधिकतम अंक होंगे, उसमें से आपके जितना भी स्कोर होगा वो आपको जो भी आपके संस्था प्रधान या नियंत्रण अधिकारी है वो यहाँ लिख करके आपको मोहर लगा करके साइन करके देंगे। यहाँ आपको आवेदक के साइन करने और उसके बाद में
ये जो कुछ है कि एसोसिएट प्रोफेसर यानी प्रधानाचार्य समकक्ष के लिए आपके क्या क्या योग्यता है, तो किसी भी विषय में 50% के साथ में अधिस्नातक एमए होनी चाहिए, और एमए या और एमएड या एमए एजुकेशन है वो भी आपके 50% के साथ में होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके साथ में जो भी अनुभव वगैरह है वो इनको वरीयता दी जाएगी। इसी तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर जो वैधता लेवल के साथी है वो किसी भी विषय में एमए हो और एमए एमएड यानी एमएड हो या एमए एजुकेशन भी 50% के साथ में होनी चाहिए, और बाकी जो भी अन्य विशेषताएं अगर है वो तो उनको वेटेज दिया जाएगा। तो ये तो सारी थी जानकारी। अब इसमें जैसे यहाँ दोबारा आपको स्कोर शीट में बता देता हूँ। यहाँ से जैसे बाद 10वीं के प्रथम श्रेणी है तो 2 अंक मिलेंगे, द्वितीय श्रेणी है 50% अधिक है तो 1 अंक मिलेगा। इस तरह से 12वीं के स्नातक अधि स्नातक के प्रथम श्रेणी के 2, अन्य के 1, बीएड में 1 अंक है, और अगर 50% ऊपर है तो अगर एमए एमएड या एमए एजुकेशन है तो आपके 2 अंक मिलेंगे 50% ऊपर अगर आपके मार्क्स है तो। इस तरह से अगर आपकी पीएचडी की हुई है तो 5 अंक मिलेंगे, तो पीएचडी का काफ़ी वेटेज है, 5 अंक सीधे आपके पीएचडी करते मिलेंगे। अब इसके बाद में पाठ्य पुस्तक लेखन अगर अगर राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर का तो 2, जिला स्तर का तो 1, इस तरीके से ये सारे आपको दिए हुए हैं। शिक्षण प्रशासन संस्थान में अगर आपने काम किया है SIRT वगैरह में तो 4, डाइट में काम किया तो 2 अंक मिलेंगे। इस तरीके से सारे जो भी अंक मिला करके आपके 30 अंक होंगे, और 30 अंक का साक्षात्कार होंगे यानी 30 अंक तो आपकी ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सारे एजुकेशनल वगैरह होंगे, और साक्षात्कार में शैक्षणिक अनुसंधान अर्हताएँ, उनका व्यवहारिक अनुप्रयोग, शारीरिक उपयुक्तता, चरित्र, व्यक्तित्व, व्यवहार कुशलता, उत्साह, कार्य के प्रति तत्परता, बुद्धिमत्ता, सक्रियता और कार्य संचालन संबंधी जो भी पूर्व अनुभव है, इन सब के साक्षात्कार के आधार पर 30 अंक मिलेंगे, और इस तरह से कुल 60 अंक आपके होंगे। और चयन समिति के द्वारा जो भी दस्तावेज है उसके अंक प्रमाणीकरण करके अंक बांट दिया जाएगा, और जोड़ करके मेरिट बनाई जाएगी, जिसमें साक्षात्कार के 30 और बाकी के मैसेज जितने मिलेंगे वो मिल करके मेरिट बनाई जाएगी। और उसके बाद में जो भी इसमें अलग अलग है कि पंचायत या विद्यालय स्तर पर अगर कोई प्रकाशन है तो अंक देनी है, डाइट में या NCERT वगैरह में काम किया तो मान्य होगा। इसके अलावा आपने ISC या CMAT या RSCERT द्वारा जो भी प्रमाण पत्र होगा वो मान्य होगा। 1 वर्ष के अनुभव है तो 1 अंक है, और अगर 4 वर्ष का अनुभव है जैसे यहाँ डाइट वगैरह का जो भी अनुभव था, अगर आपका 4 वर्ष का अनुभव है तो 4 अंक मिलेंगे मैक्सिमम, और 1 साल का 1, 2 साल के 2, इस तरीके से अनुभव मिलेंगे। तो ये पूरी जानकारी थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप गूगल फॉर्म कैसे भरेंगे, तो आवेदन कैसे करेंगे, तो ये थोड़ा सा नया प्रोसेस है। पिछली बार साल भी यही प्रोसेस था गूगल फॉर्म का, लेकिन अन्य किसी भी भर्ती में या डेपुटेशन में इस तरह का प्रोसेस नहीं अपनाया जाता। तो इसके लिए आपको एक तो यह QR कोड है, आप सीधे इसको स्कैन कर सकते हैं। यहाँ शुरुआत में जो दिया हुआ है स्कैनर दिया हुआ है, ये गूगल फॉर्म के लिए लिंक है, तो इस कोड को आप स्कैन कर सकते हैं, या आप सीधे यहाँ से, मैं आपको बता दूँ, यहाँ से जैसे ही आप करेंगे तो ये इस तरीके से आपके ये गूगल फॉर्म खुल जाएगा। अब इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, तो वहाँ से आपको, यहाँ से आपको मैं एक बार ये पूरा फॉर्म है वो क्लियर करके आपको बता देता हूँ। यहाँ से जैसे आप फॉर्म को क्लियर करेंगे तो मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कैसे होगा। यहाँ से जैसे राजस्थान स्टेट काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग RSCERT है, उसका उदयपुर का है। अब यहाँ से आपको सबसे पहले जो रेड कलर में दिया हुआ है वो आपके मैंडेटरी अनिवार्य है, तो आपको ईमेल अपनी भरनी है। तो यहाँ से जैसे मैं अपनी ईमेल ID जो भी है वो आपको भर करके बता देता हूँ। यहाँ से मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ से आपने जैसे अपनी ईमेल आईडी है वो आपको एंटर करनी है, जैसे यहाँ कुछ भी लिख करके आपने gmail.com कर दिया, ये मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। एम्प्लॉय आईडी आपके जो भी RJJL वाली एम्प्लॉय आईडी है, यहाँ से जैसे आपके जो भी एम्प्लॉय आईडी है वो आप यहाँ से भर लें, यहाँ से आपके जो भी एम्प्लॉय आईडी है वो आप यहाँ से भर लें, और ये मस्ट भी वैलिड है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा कुछ जो लेटर्स आ गए तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ से जैसे इस तरीके से आपकी जो भी ईमेल आईडी होगी वो आपको भरनी है। उसके बाद में आपको मोबाइल नंबर भरने पड़े, तो यहाँ से मैं मोबाइल नंबर आपको पढ़ रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए आपको 1 2 3 पढ़ रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पूछ रहा है कि आर यू वर्किंग इन डेपुटेशन प्रेजेंटली इन एनी प्रोजेक्ट या इंस्टीट्यूशन, किसी भी प्रोजेक्ट में या संस्था में आप डेपुटेशन पे है, प्रतिनिधि पे है, तो अगर यस करोगे तो आपके ये फॉर्म आगे खुलेगा नहीं। जैसे मैं आपको यस करके बता देता हूँ, यहाँ से जैसे आप यस करेंगे तो ये फॉर्म है आगे वो आ गया उसकी, सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि स्पष्ट क्लियर विज्ञप्ति में लिखा हुआ है कि आप किसी भी संस्था में डेपुटेशन पे नहीं होने चाहिए, तो ये आपके नो ही होना चाहिए, नो है तो सही है। अब इसके बाद में आप प्रेजेंट पोस्ट इन राजस्थान एजुकेशन सर्विस, आप एज ए प्रिंसिपल काम कर रहे हैं तो आप अप्लाइड फॉर एसोसिएट प्रोफेसर करेंगे, और अगर लेक्चरर ग्रुप में काम कर रहे हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रुप में आपको फॉर्म भरना है। तो जो भी आपके लागू होता है वो आप दोनों में से एक सेलेक्ट करें। आपको नाम या अपना जो भी नाम है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, मैं जैसे आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, तो नाम सेलेक्ट कर लिया मैंने, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है, तो जो भी कैलेंडर है उसमें से आपको यहाँ से जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से डेट ऑफ बर्थ अपनी है वो सेलेक्ट कर लें। यहाँ से जैसे मैं एक डेट ऑफ बर्थ को भी सेलेक्ट कर रही है, यहाँ ये जैसे डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ कोई भी आप सेलेक्ट कर लें। यहाँ से जैसे मैंने ये जो कैलेंडर है इसमें आपको सेलेक्ट करना है, तो मैं कोई भी सेलेक्ट करके आपको रैंडमली बता रहा हूँ।
यहाँ से जैसे सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से को महीना सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से डेट सेलेक्ट कर ली। अब आपको उस तारीख को एज कितनी हो रही है, तो यहाँ से जितनी भी आपकी एज हो रही है, आप मान लो जैसे मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, यहाँ से आपने एज इंटर कर ली, उसके बाद में परसेंटेज इन सेकेंडरी, तो आपके दसवीं में कितने परसेंटेज हैं, तो वो आपको पॉइंट के बाद में दो अंक तक लिखने हैं। उस तरीके से आपके बारहवीं में कितने परसेंटेज हैं, तो आपको यहाँ से जो भी बारहवीं के परसेंटेज है वो आपको लिखने हैं। ग्रेजुएशन में आपके कितने परसेंट है, तो आप ग्रेजुएशन के परसेंटेज लिख दें। और यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन का आपका सब्जेक्ट क्या था, तो आपका जो भी सब्जेक्ट है वो आपको सब्जेक्ट यहाँ जो भी है वो आपको मेंशन करना है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट है, तो आप जो भी सब्जेक्ट है वो आप यहाँ से एंटर करें। उसके बाद में परसेंटेज इन पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके कितने परसेंटेज है, तो मान लो जैसे जो भी परसेंटेज है वो आप यहाँ से एंटर करें। परसेंटेज इन बीएड, बीएड में आपके कितने परसेंट है, तो आप यहाँ से बीएड के परसेंटेज एंटर कर लें। परसेंटेज इन एमए एजुकेशन, या तो आपके एमएड होनी चाहिए या एमए एजुकेशन, और परसेंटेज है वो 50% से ऊपर होने चाहिए, तो जो भी आपके परसेंटेज है वो आप यहाँ से एंटर कर लें। अगर आपने पीएचडी कंप्लीट की है तो यहाँ पे क्लिक करना है, रनिंग पीएचडी है तो यहाँ पे क्लिक करना है, अगर पीएचडी के लिए आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो यहाँ क्लिक करना है, तो जो भी आपके लागू होता हो वो आप यहाँ से एंटर सेलेक्ट कर लें। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात की जो लास्ट है इसमें कि प्लीज़ अपलोड ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म विथ अलॉन्ग विथ ऑल द डॉक्यूमेंट्स, यानी जो पूरी तरह से अच्छी तरह से भरा हुआ आपका एप्लीकेशन फॉर्म है सारे डॉक्यूमेंट के साथ, वो आपको अपलोड करना है। और जिसकी मैक्सिमम है एमबी है वो 100 MB है। 100 MB का मतलब है बहुत अच्छी क्वालिटी में आप इमेज है वो स्कैन करके आप उसकी पीडीएफ बना सकते हैं, क्योंकि 100 MB बहुत ज़्यादा होती है, आराम से आप पीडीएफ बना सकते हैं। और यहाँ मैंने आपको विज्ञप्ति में बताया कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो भी मांगे हुए हैं, जैसे यहाँ आपसे 10वीं 12वीं है, स्नातक अति स्नातक, इसके अलावा आपके योग्यता का प्रमाण पत्र, इसके अलावा जो भी फॉर्म होगा जिसमें स्व घोषणा होगी, नियंत्रण अधिकारी का साइन है, ये पूरा फॉर्म है। इस तरीके से आपको पूरा फॉर्म भर के इसकी पीडीएफ बना करके पूरी अपलोड करनी है, तो यहाँ से जो भी आपकी पीडीएफ है वो आप यहाँ से फाइल है यहाँ से सेलेक्ट करके उसको सेव करके पहले से रख लें, और उसको आपको यहाँ से ऐड फाइल में जा करके अटैच करना है, फाइल को अपलोड करना है, और उसके बाद में आपको सबमिट करना है। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव करके बता दिया। अब इसका जो लिंक है यहाँ से मैं आपको बता दूँ, यहाँ से जो ये लिंक है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूँगा, तो वहाँ से आप इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से जैसे आप ये क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके इस तरीके से ये आपका जो भी फॉर्म है वो खुल जाएगा, और आपको जो भी डिटेल्स है वो भरने के बाद में इसको सबमिट करना है। अगर कुछ गलती होती है फॉर्म भरते समय, तो आप यहाँ से आपको इसको क्लियर फॉर्म करके सारा डाटा इसको आप एक तरह से क्लियर कर सकते हैं, और दोबारा इसको फॉर्म आपको भर सकते हैं। जैसे ये क्लियर हो गया, अब आप दोबारा भर सकते हैं, लेकिन अंतिम तारीख से पहले पहले ये सारा काम कर लें, और खास करके नियंत्रण अधिकारी के साइन वगैरह वो और पूरा फॉर्म है वो आप जरूर ध्यान रखें। पूरी विज्ञप्ति और ये गूगल फॉर्म का लिंक है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, और दूसरी बात इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इस गूगल फॉर्म का लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप सीधे क्लिक करके इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी कि अगर आप RSCERT में डेपुटेशन में जाना चाहते हैं तो आपके लिए मौका है। पूरी जानकारी मैंने दे दी, जानकारी अच्छी और उपयोगी लगे तो अधिक से अधिक साथियों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।